टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ट्रॉपिकल पास्ट क्वेश्चंस ऑफ जनरल पैथोलॉजी, स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम मीडियम रॉबिन्स। तो मेरे पास जो पैथोलॉजी की बुक है वो है रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी 10th एडिशन, जो थर्ड ईयर में आपने पढ़नी है। अब जो इसका जो पहला चैप्टर होता है रॉबिन्स का, जिसको बोलते हैं सेल एज अ यूनिट, ये चैप्टर UHS के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। पास्ट जैसे पास्ट एडिशंस में 9th एडिशन में 8th एडिशन में ये चैप्टर इंक्लूडेड ही नहीं था, इस किताब में नहीं था, लेकिन ये चैप्टर बिग रॉबिन्स के अंदर था। तो इसी चैप्टर को मीडियम रॉबिन्स के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन UHS के सिलेबस के मुताबिक जनरल पैथोलॉजी के अंदर ये चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है। तो हमने जिस चैप्टर के आज ट्रॉपिकल पास्ट क्वेश्चंस देखने हैं और हमने चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू लेना है, वह है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सेल इंजरी सेल डेथ अडाप्टेशंस। अडाप्टेशन के ऊपर पहले से वीडियो बन चुकी है। अडाप्टेशन का मतलब होता है रिवर्सिबल चेंजेस इन नंबर, साइज, फिनोटाइप, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और फंक्शंस। और ये जब होती है जब किसी भी सेल को के ऊपर कोई ना कोई स्ट्रेस अप्लाई होता है। स्ट्रेस का क्या मतलब है? चेंजेस इन एनवायरनमेंट डेट सेल फेसेस। तो जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है सेल इंजरी सेल डेथ एंड अडाप्टेशन, तो इस चैप्टर से हमने स्टार्ट करना है। तो इसके ट्रॉपिकल पास्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इसके पहले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सेलुलर अडाप्टेशन से रिलेटेड है। तो पहले हम सेलुलर अडाप्टेशन निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से सेलुलर अडाप्टेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये है सेलुलर अडाप्टेशन, ठीक हो गया। हमने इसके नोट्स बनाए हुए हैं तो हम इसको वहाँ से कवर करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, आपको नज़र आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, मैं स्क्रीन शॉट मैंने शेयर किया होगा। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ 55 ईयर ओल्ड फीमेल विद हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लैक्स प्रेजेंट विद एक्यूट एपिगैस्ट्रिक पेन इन एमरजेंसी। एंडोस्कोपिक फाइंडिंग्स इंक्लूड रिप्लेसमेंट ऑफ इसोफेगल स्क्वेमस सेल्स बाय इंटेस्टिनल कलमनर सेल्स। Name the cellular adaptations. Give two other examples of this adaptation. What are different types of adaptations in response to stress? तो इस क्वेश्चन के अंदर वो गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लैक्स डिजीज की बात कर रहा है। गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लैक्स डिजीज का मतलब यह होता है कि लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर या गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर अगर वो सही तरह क्लोज नहीं हो पाता तो स्टोमक की सिक्रेशन स्टोमक की सिक्रेशन इसोफेगस के लोअर एंड को डिस्ट्रॉय कर देगी। चूँकि यहाँ पे एसिड स्टोमक से वापस रिफ्लक्स कर रहा है इसोफेगस के अंदर, तो इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीजेस। इसके अंदर यह होता है कि इसोफेगस की नॉर्मल एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, लेकिन वो कवर होगी या फिर वो चेंज होगी इंटेस्टिनल कलमनर सेल्स को में। तो इस तरह की अडाप्टेशन को क्या बोलते हैं? तो इस तरह की अडाप्टेशन को बोलते हैं मेटाप्लीजिया। तो मेटाप्लीजिया के एक एग्जांपल इन्होंने दे दी, इसके बाद वो पूछ रहा है गिव टू अदर एग्जांपल्स ऑफ दिस अडाप्टेशन। तो मेटाप्लीजिया को हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जो मेटाप्लीजिया असल में होता क्या है, मेटाप्लीजिया एक रिवर्सिबल चेंज है। उस वक्त तक रिवर्सिबल चेंज है जब तक स्ट्रेस इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है या वो सेल जो इस अडाप्टेशन के जरिए स्ट्रेस को कॉम्बैट कर चुका है, तो ये अडाप्टेशन रिवर्सिबल होगी। लेकिन अगर स्ट्रेस सीवियर होगा तो ये अडाप्टेशन रिवर्सिबल से रिवर्सिबल बन जाएगी, वो सेल को डैमेज कर देगी। तो ये रिवर्सिबल चेंज होती है जिसमें एक डिफरेंशिएटेड अडल्ट सेल टाइप होती है, एक डिफरेंशिएटेड जो डिफरेंशिएट हो चुकी है अडल्ट है, एपिथीलियल हो सकती है, मेसेनकाइमल सेल्स होती है, वो आपस में एक दूसरे से रिप्लेस हो जाती है दूसरे सेल से। जिस तरह यहाँ पर इसोफेगस की एग्जांपल दी हुई थी, इसोफेगस की स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम होती है लेकिन वो रिप्लेस हो जाती है इंटेस्टिनल कलमनर सेल से, और ये असल में अडाप्टेशन होती है किसी भी स्ट्रेस के खिलाफ। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप में चेंज नज़र आ रहा है, मतलब फिनोटाइप का मतलब एक जनरल अपीयरेंस होती है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो चाहे वो ग्रॉस मैक्रोस्कोपिक हो। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दी थी गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ की, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा था कि इसोफेगस की एपिथीलियम जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम की होती है, वेराइटी की होती है, तो ये एपिथीलियम रिप्लेस हो जाती है इंटेस्टिनल कलमनर एपिथीलियम से। तो यहाँ पर आपको फिनोटाइप में चेंज नज़र आता है, और इसका मेन पर्पस यही होता है कि सेल अडाप्ट कर सके किसी भी स्ट्रेस के अगेंस्ट। अब मेटाप्लीजिया एपिथेलियल सेल्स में भी हो सकती है, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स जिनको मेसेनकाइमल सेल्स भी बोल सकते हैं इसमें भी हो सकती है। अब जो एपिथेलियल सेल्स में इसका मेन पर्पस क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स के अंदर ये अडाप्टिव रिस्पॉन्स होती है जिसकी वजह से जो सेल टाइप होता है जो किसी भी पार्टिकुलर टाइप के स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है, ठीक हो गया। यानी एक वो सेल जो स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता उस सेल से रिप्लेस हो जाएगा जो स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है, ठीक हो गया। यानी जो पुअर अडाप्टिंग सेल्स गुड अडाप्टिंग सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर मेटाप्लीजिया परसिस्टेंट हो, मतलब अगर स्ट्रेस अगर आपने ख़त्म ना किया, स्ट्रेस अगर इरिवर्सिबल बन गया, तो ये इरिवर्सिबल चेंज मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर देगी जिसको बोलते हैं कैंसर। तो
तो मेटाप्लेजिया पहले होता है, मेटाप्लेजिया आगे जाता है डिसप्लेजिया में, डिसप्लेजिया फिर आगे लीड करता है कार्सिनोमा की तरफ, उसको हमने न्यूप्लेजिया के अंदर कवर करना है। लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो मेटाप्लेजिया होता है वो कोई अडाप्टिव रिस्पॉन्स नहीं होता, बल्कि पैथोलॉजिकल अल्टरेशन होती है सेल या टिश्यू की इंजरी की वजह से, और इसके अंदर कैंसर होने के चांसेस कोई नहीं होते। अब जो इसका मेन उन्होंने पूछा था कि ये गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज, तो अडाप्टेशन आपने बताना है मेटाप्लेजिया। अब इसकी दो एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो आपने बताना कि एपिथीलियल मेटाप्लेजिया के अंदर जो एपिथीलियम में कलमनर टू स्क्वेमस भी हो सकती है, स्क्वेमस टू कलमनर भी हो सकती है, स्क्वेमस टू स्क्वेमस भी हो सकती है। कलमनर टू स्क्वेमस इसकी एग्जाम्पल है रिस्पायरेटरी ट्रैक की जो एपिथीलियम होती है सिगरेट स्मोकिंग के अंदर, स्क्वेमस टू कलमनर ये इसोफेगस के अंदर होती है, और ऐसा इसोफेगस जिसके अंदर स्क्वेमस से कलमनर एपिथीलियल मेटाप्लेजिया देखने को मिले तो उसको बोलते हैं बैरेट इसोफेगस, और अगर स्क्वेमस से स्क्वेमस थिन स्क्वेमस से स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं केराटोमिलेशिया, या इसकी एग्जांपल हो जाएगी। जबकि कनेक्टेड टिश्यू मेसेनकाइमल सेल्स के अंदर एग्जांपल पूछा तो आपने ये बताना है कि ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई बोनी टिश्यू नहीं होता या कार्टिलेजिनस टिश्यू नहीं होता लेकिन वहाँ पर डेवलप कर गया, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मायोसाइटस ओसिफिकेंस। मायो का मतलब मसल, आइटस का मतलब इन्फ्लेमेशन, ओसिफिकेंस का मतलब यहाँ पे ओसिफिकेशन हुई है। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि मसल के अंदर कोई हैमरेज हुआ, हैमरेज ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट की कैल्सिफिकेशन होगी तो वहाँ पे बोन डेवलप करेगी। तो इसके ये एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया, ठीक हो गया। तो इसकी दो एग्जांपल आपने किस तरह से सुनानी है, बैरेट इसोफेगस रेस्पिरेटरी एपिथेलियम की कन्वर्जन हो जाना केराटोमिलेशिया, या फिर मायोसाइटस ओसिफिकेंस। उसके बाद वो बता रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अडाप्टेशंस इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। तो आपको बताया था कि अडाप्टेशन की डेफिनेशन, तो यहाँ पर डिफरेंट अडाप्टेशन आपको नजर आ रही है, हाइपरट्रॉफी नंबर ज़्यादा हो जाना, हाइपरट्रॉफी साइज ज़्यादा हो जाना, हाइपरप्लेजिया नंबर ज़्यादा हो जाना, एट्रॉफी साइज का कम हो जाना, मेटाप्लेजिया के सेल की फिनोटाइप ही चेंज हो जाना, डिसप्लेजिया डिसऑर्डर सेल ग्रोथ जिसकी वजह से कार्सिनोमा हो जाएगा, एप्लेजिया और हाइपोप्लेजिया, एप्लेजिया में सेल डेवलप ही नहीं किया, हाइपोप्लेजिया में सेल का नंबर काफ़ी ज़्यादा काम था। और अडाप्टेशन हमने कहा था कि ये दो तरह की हो सकती है, फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि जो एक सेल होता है वो एक नॉर्मल स्टिमुलेशन के अगेंस्ट या नॉर्मल स्टिमुलेशन के लिए वो प्रिपेयर हो जाता है, ये स्टिमुलेशन हार्मोन से भी आती है या किसी एंडोजीनस केमिकल मीडिएटर, जैसे प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होती है तो एस्ट्रोजन यूट्रस की हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया भी कॉज करवाती है, और दूसरी तरफ ब्रेस्ट की जो ग्लैंडुलर एपिथीलियम वहाँ पे भी हाइपरप्लेजिया कॉज करवाती है इसकी, या फिर ये जो फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन किसी मैकेनिकल स्ट्रेस के नतीजे में भी हो सकती है इनडायरेक्टली, जैसे वर्कलोड ज़्यादा होता है स्केलेटल मसल पर तो वो हाइपरट्रॉफी कर जाते हैं, इसी तरह कार्डिक मसल पर वर्कलोड ज़्यादा होगा, आफ्टरलोड ज़्यादा होगा तब वहाँ पे भी हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। पैथोलॉजिकल का मतलब होता है कि किसी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में, कोई अनफेवरेबल कंडीशन के रिस्पॉन्स में यहाँ पर जो सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन मॉड्यूलेट होती है, चेंज होते हैं, इससे यह होता है कि सेल इंजरी को तो स्केप कर जाएगा लेकिन इसका अपना फंक्शन खत्म हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल मेटाप्लेजिया बताई हुई है कि जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर, यानी सिगरेट स्मोक के अंदर नॉक्शियस केमिकल होते हैं, स्पेसिफिकली निकोटीन होता है, तो वहाँ पर निकोटीन को बर्दाश्त करने वाले जो सेल्स होते हैं वो होते हैं स्क्वेमस वैरायटी के, ठीक हो गया, लेकिन कलमनर वाले इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वहां पर आपको स्क्वेमस मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है ब्रोंकियल एपिथीलियम का। तो जो पहला क्वेश्चन तो कवर हो गया है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 65 ईयर ओल्ड हैबिचुअल सिगरेट स्मोकर फॉर पास्ट 20 ईयर्स हैज क्रोनिक कफ, नाउ ही प्रेजेंट्स विद फीवर एंड हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस, व्हाट इज द चेंज इन फिनोटाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स। के फिनोटाइप की चेंजिंग आना, मतलब वो मेटाप्लेजिया की बात कर रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो कलमनर सेल्स होते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक के वो नॉक्शियस केमिकल को, स्पेसिफिकली निकोटीन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जो स्क्वेमस एपिथीलियम होती है वो निकोटीन को बर्दाश्त कर सकती है। तो इसका मैंने फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक हो गया, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम पे आपको नजर आ रहा होगा। तो हैबिचुअल सिगरेट स्मोकिंग नॉक्शियस केमिकल्स होते हैं, जो नॉर्मल सिलेक्टेड कलमनर एपिथीलियम होती है ट्रैक की और ब्रोंकाई की वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसको बियर नहीं कर सकती, तो वो रिप्लेस हो जाती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियल सेल से रिप्लेस हो जाती है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि कलमनर एपिथीलियम सर्वाइव नहीं कर सकती, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट ये होते हैं कि जो नॉर्मल फंक्शन था कलमनर वाले का वो खत्म हो गया, क्योंकि कलमनर ही डिफ्रेंशिएट हो गया किसके अंदर, कलमनर चले गए स्क्वेमस के अंदर, तो जो कलमनर का अपना फंक्शन खत्म हो गया। कलमनर का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन और जो इन्फेक्शन होते हैं इनके इनके खिलाफ एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, तो म्यूकस की सिक्रेशन खत्म होगी और सिलियरी एक्शन खत्म हो गया, इसकी वजह से जो प्रोटेक्शन होती है इन्फेक्शन के खिलाफ वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। और दूसरी तरफ अगर ये मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भी लीड कर सकता है, और इसकी वजह से आपको लंग्स का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी देखने को मिल सकता होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यही
हैबिचुअल सिगरेट स्मोकिंग। तो आपको मैं अभी से बता रहा हूँ, जो सेलुलर अडाप्टेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अडाप्टेशन है जिसके ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो है मेटाप्लेजिया। तो आपने मेटाप्लेजिया को अच्छे से करना है और इन नोट्स को ज़रूर फॉलो करना है। तो आगे बता रहा है कि 32 ईयर ओल्ड हैबिचुअल सिगरेट स्मोकर कंप्लेन ऑफ परसिस्टेंट क्रॉनिक कफ एंड फ्रीक्वेंट सीवियर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन फॉर लास्ट 15 मंथ्स, वट टाइप ऑफ अडाप्टिव चेंज। तो ये अडाप्टिव चेंज आपको बताई थी मेटाप्लेजिया, इसका फ्लो चार्ट आपको मैं दिखा चुका हूँ, ये वाला फ्लो चार्ट इसका ठीक हो गया। आगे बता रहा है कि इज दिस चेंज रिवर्सिबल। तो जो मेटाप्लेजिया है, मेटाप्लेजिया मैंने आपको यहाँ से दिखाया था कि मेटाप्लेजिया में ये होता है कि अगर हम स्ट्रेस को रिमूव कर देते हैं तब ये चेंज होती है रिवर्सिबल, लेकिन अगर मेटाप्लेजिया अगर परसिस्टेंट हो, सॉरी अगर स्ट्रेस अगर परसिस्टेंट हो, स्ट्रेस को ख़त्म ना किया, तो वो कैंसर की तरफ लीड कर सकता है। इसकी एग्जाम्पल है बैरेट इसोफेगस, ठीक हो गया। और बैरेट इसोफेगस आगे एडिनो कार्सिनोमा का काज करवा सकता है। एडिनो का मतलब होता है ऐसा कैंसर, एडिनो कार्सिनोमा का मतलब बिनाइन एपिथीलियल न्योप्लाज्म विच ओरिजिनेट फ्रॉम और विच अकर इन डॉट इन डेड सेल्स विच आर डिराइव फ्रॉम ग्लैंडुलर टिश्यू। तो इन शॉर्ट, अगर ग्लैंडुलर टिश्यू का कैंसर होता है तो उन कैंसर को बोलते हैं एडिनोमा। आगे मैं बता रहा है क्वेश्चन बी में, व्हाट इज द गिव द मैकेनिज्म ऑफ दिस सेलुलर अडाप्टेशन। तो मैकेनिज्म आपको मैं बता चुका हूँ मेटाप्लेजिया का, ठीक हो गया। इसके बाद इनलिस्ट 3 अदर टाइप ऑफ सेलुलर अडाप्टेशन विद 1 एग्जाम्पल फॉर ईच। तो आपको यहाँ से सारी अडाप्टेशन आपको नजर आ रही थी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया की, जिनकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हाइपरट्रॉफी की एग्जाम्पल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर आकर बताता है कि फिजियोलॉजिकल में ये है कि अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, तो फिर स्मूथ मसल की ज़्यादा सेंथेसिस हो जाना शुरू होती है, तो वहाँ पर आपको हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों देखने को मिलता है, ठीक हो गया। और यहाँ पर हाइपरप्लेजिया में हार्मोनल हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है, मतलब प्रेगनेंसी और प्यूबर्टी में जो ब्रेस्ट की ग्लैंडुलर एपिथीलियम इसकी प्रोलिफरेशन होती है, ये कंपनसेटरी भी हो सकता है। कंपनसेटरी का मतलब ये हो सकता है कि किसी भी अगर कोई पार्ट ऑर्गन का डैमेज हो गया तो रिमेनिंग जो सेल्स होते हैं, जो बाकी रह जाते हैं, वो उसको कंपनसेट करते हैं। किस तरह से कि अगर लीवर के किसी पार्ट को रिसेक्ट करते हैं तो जो उसके रिमेनिंग पार्ट होते हैं या फिर जो अनइंजर्ड पार्ट होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक हो गया। जिसकी वजह से जो रिमेनिंग सेल्स के अंदर माइटोटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है वो लीवर के मास को रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसकी एग्जाम्पल्स बाकी हम इसको रिस्पेक्टिव टॉपिक्स के अंदर देख चुके हैं, आके देख लेते हैं। अ 12 ईयर ओल्ड गर्ल नोटिस इनलार्जमेंट ऑफ हर ब्रेस्ट वाइल टेकिंग अ ब्रेथ, सॉरी ब्रेथ नहीं बात, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो अडाप्टेशन पूछ रहा है वो है हाइपरप्लेजिया। तो हाइपरप्लेजिया प्यूबर्टी में या प्रेगनेंसी में हमें देखने को मिलता है, और हाइपरप्लेजिया में ये होता है कि जो ब्रेस्ट के ग्लैंडुलर एपिथीलियम में इसकी प्रोलिफरेशन होती है। प्रोलिफरेशन का मतलब इनका नंबर ज़्यादा होता है। इनका नंबर क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी में जो हार्मोन होती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये ब्रेस्ट की डेवलपमेंट काज करवाते हैं। आगे पूछ रहा है व्हाट आर इट्स मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एंड टाइप्स है, ठीक है। आगे व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस अडाप्टेशन, तो आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक हो गया। आगे हम देख लेते हैं ग्रॉस एग्जाम्पल ऑफ ब्रेन, यहाँ पर वो पूछ रहा है गिव द मैकेनिज्म ऑफ दिस सेलुलर अडाप्टेशन। तो हमने मैकेनिज्म हमने देखा था यहाँ पर, तो जो मैकेनिज्म आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, ठीक है, हाइपरट्रॉफिक आपको मैकेनिज्म नज़र आ रहा होगा। आगे हम देख लेते हैं ग्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेन ऑन ऑटोप्सी ऑफ 90 ईयर ओल्ड मैन विद लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एथीरोस्क्लेरोटिक डिजीज रिवील श्रंकन ब्रेन विद अ लॉस ऑफ ब्रेन सब्सटेंस नैरो गायराई एंड वाइडन सर्काई। तो ये निशानी होती है एट्रॉफी की। अब एट्रॉफी क्या है, ठीक हो गया। तो जो अडाप्टेशन हुई है वो एट्रॉफी है। तो एट्रॉफी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गन या टिश्यू के अंदर उसका साइज कम हो जाना। साइज क्यों कम हो जाना, साइज के कम होने की वजह ये भी हो सकती है कि वहाँ पे जो सेल थे उस टिश्यू के अंदर उनका नंबर कम हो गया या उनका साइज कम हो गया। अब सेलुलर इवेंट्स क्या होते हैं, अब इसके अंदर ये होता है कि कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस स्ट्रेस ये भी हो सकता है कि डीनर्वेशन वाला स्ट्रेस या डिमिनिश ब्लड सप्लाई, इसकी वजह से सेल का साइज और सेल की ऑर्गेनली उसका नंबर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेल की जो मेटाबॉलिक नीड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि सेल का साइज कम हो गया है, ऑर्गेनली का नंबर कम हो गया है, तो मेटाबॉलिक नीड भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से न्यू इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब अगर खुराक कम मिल रही है तो सेल अपने ही अडाप्टेशन कर लेगा, अपना साइज इस तरह से कम कर लेगा कि इसको खुराक की ज़रूरत कम से कम होगी। अब एट्रोफी में होता क्या है, एट्रोफी में आपको सेल का नंबर भी कम देखने को मिल रहा है, सेल का साइज भी कम देखने को मिल रहा है। सेल का नंबर कम क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि अपोप्टोसिस होती है। इसकी एग्जांपल है कि अगर एंडोक्राइन, अगर हम किसी हार्मोन को विड्रॉ करवा लेते हैं, स्पेसिफिकली अगर TSH को अगर रिमूव करवा लेते हैं, तो TSH ने थायरॉयड ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी करवानी होती है, तो वहाँ पर एट्रोफी देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ आपको सेल साइज
कम देखने को मिलता है एक्ट्रोफी में, तो उसकी क्या मैकेनिज्म हो सकता है, सेल को डिस्ट्रॉय करने वाले, सेल को डैमेज करने वाले जो सिस्टम है, डिस्ट्रॉय करने वाले प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने वाले, वो दो ही सिस्टम है, या तो हमारे जो ऑटोफेगी होती है लाइसोसोम की वजह से, या यूबीक्विटिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन। जो यूबीक्विटिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन एटीपी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ऑटोफेगी वाला ये एटीपी इंडिपेंडेंट मेथड होता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है एट्रोफी के अंदर, तो एट्रोफी के अंदर या तो ट्रॉफिक सिग्नल्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, यानी ग्रोथ फैक्टर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, न्यूट्रिएंट्स कम मिल रही है, जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ यहाँ पे यूबीक्विटिन प्रोटीएसोम सिस्टम की एक्टिवेशन होती है, जिसकी वजह से प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाती है। और इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑटोफेगी होती है, ऑटोफेगी में ये होता है कि ऐसे सेल जिसके अंदर स्टार्वेशन होती है, या स्टार्वेशन वाला सेल या स्टार्व सेल अपने ही ऑर्गेनली को ईट करना शुरू कर देता है ताकि वो सर्वाइव कर सके। इसके अंदर जो ऑटोफेगिक वेसिकल्स है, ऑटो का मतलब सेल्फ, फेगी का मतलब होता है ईट करना है, फेजिया, ठीक हो गया। तो ऑटोफेगिक वैक्यूल्स इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और ये सेल डेब्रिस की फॉर्म में एकुमुलेट होना शुरू हो जाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है लाइपोफ्यूसिन। लाइपोफ्यूसिन को हम इस सेपरेट वीडियो से कवर करेंगे इंट्रा सेलुलर एकुमुलेशन में। तो जो एट्रोफी का असल में मैकेनिज्म पूछ रहा था, तो जो अडाप्टेशन हुई ब्रेन के अंदर, तो उसको बोलते हैं ए ट्रॉफी, ठीक हो गया। बाकी आपको एट्रोफी का इतना ज़्यादा फ्लो चार्ट मिल जाएगा। तो वो कह रहा है कि गिव एनी टू अदर कॉजेज ऑफ दिस सेलुलर अडाप्टेशन। तो आपको बहुत सारे कॉजेज नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर एट्रोफी के। पहला आपको नज़र आ रहा होगा फिजियोलॉजिकल, दूसरा आपका पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में आपको एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स की नज़र आ रहा होगा और एडल्ट स्ट्रक्चर्स का, जबकि पैथोलॉजिकल में ये भी हो सकता है कि वर्कलोड ज़्यादा था जिसकी वजह से, सॉरी वर्कलोड कम था, डिसयूज एट्रोफी, या इनर्वेशन खत्म होगी, डिनर्वेशन एट्रोफी, या ब्लड सप्लाई कम होगी, यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से इन्फार्क्शन हुआ था, तो इसको बोलते हैं सीनाइल एट्रोफी। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी किसी भी जो ऑर्गन्स होते हैं उनको एंडोक्राइन स्टिमुलेशन खत्म होगी, जैसे TSH होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की सॉरी थायराइड ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी करवाता है। या फिर प्रेशर हुआ, प्रेशर क्यों, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर या मलिग्नेंट ट्यूमर वो ग्रो करते गए, इन्होंने अपने साथ वाले नॉर्मल टिश्यू की ब्लड सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, जिसकी वजह से वो टिश्यू डिस्ट्रॉय हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ 21-year-old फीमेल गिव बर्थ टू हर बेबी, शी स्टार्टेड टू गिव ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर बर्थ एंड कंटिन्यूड टिल, नेम एंड डिफाइन द सेलुलर प्रोसेस डैट स्टार्टेड इन ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपको मैंने बताया था कि जो प्रेगनेंसी में और जो प्यूबर्टी में जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, उसका जो मेन मैकेनिज्म है वो है हाइपरप्लेजिया। तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर हाइपरप्लेजिया, ठीक हो गया। और ये भी हाइपरप्लेजिया हार्मोनल होगा, यहाँ पे हार्मोनल का मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आगे पूछ रहा है कि गिव थ्री पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल्स ऑफ दिस प्रोसेस। अब जो हाइपरप्लेजिया पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल क्या बतानी है, तो जो इसकी तीन एग्जाम्पल्स आपको मैं बताता हूँ। पहला होता है, पहली वेराइटी है एक्सेसिव या इनअप्रोप्रिएट हार्मोन की वजह से, ठीक हो गया। अब आपने इस तरह से याद रखना है कि मेल्स के अंदर अगर एंड्रोजेंस की होता है, ठीक हो गया, एंड्रोजेंस अगर ज़्यादा होते हैं तो वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को कॉज करवाती है, ये भी पैथोलॉजिकल कंडीशन के तरह आ सकता है, ठीक हो गया। जबकि ग्रोथ फैक्टर की वजह से कुछ वायरसेस होते हैं, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, ये वायरस कुछ ऐसे फैक्टर प्रोड्यूस करवाता है जो होस्ट की प्रोटीन के साथ इंटरफेयर करते हैं, स्पेसिफिकली ऐसी प्रोटीन जो सेल प्रोलिफेशन को, सेल की ग्रोथ को, सेल की सर्वाइवल को कंट्रोल करती है। इस कंडीशन के अंदर आपको म्यूकोजल लियन भी देखने को मिलती है, ठीक हो गया। तो आपने एक एग्जांपल देनी है इसकी ग्रोथ फैक्टर्स की देनी है, यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की देनी है। दूसरी आपने एग्जांपल देनी है एंड्रोजेंस की स्टिमुलेशन की। और तीसरी एग्जांपल आपने देनी है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की। इसमें ये आपने बताना है कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद जो यूट्राइन एपिथिलियम की प्रोलिफरेशन होती है, ये रेगुलेट करते हैं दो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करवाता है, प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट करवाता है। लेकिन अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बैलेंस डिस्टर्ब हो गया तो हमें या तो एब्सोल्यूट या एस्ट्रोजन या रिलेटिव एस्ट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल ग्लैंड की हाइपरप्लेजिया हो जाएगी, इनकी ग्रोथ खत्म नहीं हो सकेगी, इसकी वजह से हमें एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं अ बॉडी बिल्डर डेवलप हिज मसल बाय डूइंग एक्सरसाइज। तो ये होगा हाइपरट्रॉफी का एग्जाम्पल। तो हाइपरट्रॉफी की बात हम पहले कर चुके हैं। आगे द एंडोसर्विक्स ऑफ यूट्रस इज लाइन बाई म्यूकस सिक्रेटिंग एपिथीलियम। अब यहाँ पर जो अडाप्टेशन हो रही है वो है मेटाप्लेजिया, और मेटाप्लेजिया की कोर एग्जांपल आ गई है कि एंडोसर्विक्स होती है, इसका जो नॉर्मल एपिथीलियम है वो कलमनर होती है, लेकिन अगर ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस बन जाए तो उसको बोलते हैं कलमनर टू स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं मेटाप्लेजिया। और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म आपको मैं बता चुका हूँ या बता देता हूँ दोबारा से।
इसका जो मैकेनिज्म होता है मेटाप्लेजिया का, मेटाप्लेजिया में ये नहीं होता है कि जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनका फिनोटाइप चेंज हो गया, बल्कि जो डिफरेंशिएटेड सेल्स को प्रोड्यूस करवाने वाले जो स्टेम सेल्स थे उनकी रिप्रोग्रामिंग होगी। रिप्रोग्रामिंग इस तरह से कि अगर उन्हें कलमनर प्रोड्यूस करवाने थे तो वो कलमनर के बजाय स्क्वेमस प्रोड्यूस करवाना शुरू करवा देगी, ठीक हो गया। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल्स थे जो सराउंडिंग के टिश्यू के थे, इन्होंने इसको इन्वेट करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद देख लेते हैं 9th क्वेश्चन। अब 45 ईयर ओल्ड वुमेन वॉज इन्वेस्टिगेटेड फॉर हाइपर टेंशन, वॉज फाउंड टू हैव इन्वाजमेंट ऑफ लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी वॉज स्मॉलर देन नॉर्मल। अब स्टीनोसिस हुई है, ब्लड फ्लो कम हो गया है, तो जिस खराब पेशेंट को बोलते हैं उसको नाम है एट्रोफी, और एट्रोफी ब्लड सप्लाई की कम होने की वजह से हुई है तो उसको बोलते हैं सीनाइल एट्रोफी, ठीक हो गया। लास्ट में पूछ रहा है कि 10th में डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपरप्लेजिया एंड मेटाप्लेजिया। अब हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया ये हम इंशाल्लाह इसको सेपरेट वीडियो से कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो अगर पसंद आई हो जिसके अंदर हमने सेलुलर अडाप्टेशन को पढ़ा है, तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।